तो गाइस यार, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि रॉकेट्स मेरी फेवरेट चीज़ों के अंदर से एक है। और वैसे रॉकेट्स बनाने के लिए प्रोपेलेंट का इस्तेमाल किया जाता है, छोटे रॉकेट्स के अंदर शुगर रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, बड़े रॉकेट्स के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन गाइस यार, हम थोड़े से आड़ू किस्म के इंसान हैं, हम थोड़े से अकल से पैदल है। तो गाइस यार, हमने सबसे हट के कुछ करने की कोशिश की, इसीलिए हमने भी एक रॉकेट बनाया। लेकिन उस रॉकेट के अंदर हमने किसी भी तरह के फ्यूल का इस्तेमाल नहीं, ना ही इसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी शुगर रॉकेट मोटर जैसी कोई भी चीज है, यानी कि कोई भी प्रोपेलेंट नहीं है। बल्कि हमने तो हमारे रॉकेट के अंदर एक पंखे वाली मोटर लगा दी। देखो, एक पंखे वाली मोटर है, ब्रशलेस, इसके अंदर एक एसी, एक रिसीवर है, साथ ही साथ एक रिमोट कंट्रोल है। वैसे जनरली अपना अगर कोई दिवाली वाला रॉकेट होता है या फिर ऐसा कुछ होता है तो उसको माचिस से जला दो, वो भाग जाएगा, उसके ऊपर अपना कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा। लेकिन हमने ऐसा कुछ बनाने की कोशिश की है, ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है और इसके अंदर बैटरी है और साथ ही साथ ये रिमोट से ऑपरेट होता है। बनाने को तो बना लिया, कोई आइडिया नहीं है कि ये उड़ेगा नहीं उड़ेगा, इतना भी उड़ेगा उतना भी उड़ेगा या सीधा ही क्रैश हो जाएगा। तो चलो इसकी टेस्टिंग करते हैं। इसकी टेस्टिंग मैं आप लोगों के साथ में ही कर रहा हूं ताकि आप लोगों को भी पता पड़े यार कि हमने क्या क्या कारनामे किए। ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो चलो अभी से उड़ाते हैं। दुआ करना है कि ये उड़ जाए, थोड़ा सा भी उड़ गया ना तो यकीनन मजा आ जाएगा। और अगर उड़े तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कुछ ना कुछ कीड़े रहते हैं मेरे दिमाग में, ठीक है, और मैं उन्हें निकाल देता हूँ, मैं कभी भी दिल में नहीं रखता। अगर कुछ करने का मन करता है ना तो मैं कर डालता हूँ, अभी से नहीं, यूट्यूबर बनने से पहले भी मैं ऐसा ही था। क्या भाई, मैंने बहुत सारी चप्पलों की गाड़ियां बनाई है टायर काट काट के। तो चलो इसे उड़ाते हैं फटाफट से, मजा आने वाला है, टूट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। तैयार, ध्यान रखना भाई, मैंने अपने रॉकेट के अंदर दिशा देने के लिए कुछ भी नहीं लगाया है। या तो ये सीधा उड़ेगा और हवा नगरी से मोड़ दिया तो ये किधर भी जा सकता है, इसका कोई अता पता नहीं है, बस उड़ जाना चाहिए। चलो तैयार। ऑलराइट गाइस, ऑन 3 2 1 वो। ओ तेरी। ऑलराइट गाइस, तो यार हमारे रॉकेट ने लिफ्ट ली, क्या बात है, मतलब उड़ा तो था बस थोड़ा सा तिरछा हो गया। थोड़ा सा फिर घुमाते हैं इसको और फुल थ्रस्ट देते हैं इस बार। ऑलराइट, 3 2 1 थोड़ा सा पीछे हो जाना सभी लोग। भाग के जा, लेके जल्दी जा, पंखुड़ी चेंज कर फटाफट। क्या टूटा, बाकी सब ठीक है, मोटर टूट गई। तो गाइस यार, बाकी कुछ हो नो, इस बात की खुशी है कि हमारी ये जो चीज़ है ना, ये उड़ रही है। इसको थोड़ा सा सीधा करने के लिए मे भी ये है कि मतलब यार कि पहली बार बनाया, पहली बार उड़ा, इसलिए मोटर की डायरेक्शन हल्की सी तिरछे एंगल पे थी मेरे हिसाब से, इस वजह से ये तिरछे एंगल में गया। अगर मोटर बिल्कुल सीधी होगी ना ऐसे नाक की सीधे में, तो हमारा रॉकेट भी बिल्कुल सीधा जाएगा। हम इसको बस अप और डाउन कर सकते हैं, यानी कि ये ऊपर जा सकता है या फिर नीचे आ सकता है, इधर उधर नहीं जा सकता है। तो गाइस यार, आई होप ये चीज़ आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो घर पर ट्राई मत करना, हमने कर लिया है, आपने देख लिया। बाकी आज के लिए बस इतना ही। बाकी यार देखो यार, सिर्फ एक पंखा लगा के अपन ने इस चीज़ को उड़ा दिया,
मजा तो आया, मजे के लिए तो सब करते हैं। तो आज के लिए मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक से। हम तब तक ले जय हिंद, जय भारत।